वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लास्ट मिनट तैयारी। मेरा नाम नीतू शर्मा है और देखिए आज हम पढ़ने जा रहे हैं हमारी टाइप अप्रोच ऑफ पर्सनैलिटी। देखिए इससे पहले हम कुछ वीडियोस में डिस्कस कर रहे थे हमारी ट्रेट अप्रोच ऑफ पर्सनैलिटी, जो एडवांस अप्रोच है, जिसमें हमने काफ़ी सारी थ्योरीज पढ़ी, कैटल थ्योरी, आइजिंग थ्योरी, आल्बर्ट थ्योरी, बिग फाइव मॉडल, ये सब हम पढ़ चुके हैं अंडर दी कैटेगरी ट्रेट अप्रोच। ठीक है, जिसमें हमने पर्सनैलिटी को समझने के लिए देखा कि ट्रेट्स का क्या रोल होता है, कैसे हम ट्रेट्स के जरिए किसी इंडिविजुअल को, किसकी पर्सनैलिटी को समझ सकते हैं। अब ट्रेट अप्रोच से पहले ही क्या है हम डिस्कस करते हैं। देखिए इससे पहले ही एक और अप्रोच थी जो अपनाई गई थी साइकोलॉजिस्ट के द्वारा, वो थी टाइप अप्रोच। टाइप अप्रोच क्या है? टाइप, देखिए टाइप क्या है? टाइप एक तरह से एक कैटेगरी है, एक क्लास है, जिसके अंदर हम सारे उन इंडिविजुअल्स को रखते हैं जो सारे सेम होंगे, यानी कि जिनकी कैरेक्टरिस्टिक कॉमन होगी, जो कुछ फीचर्स कॉमन शेयर करते होंगे। जैसे अगर हम कहें ये सारे वो लोग हैं ना जिनको ना बाहर घूमना बहुत पसंद है, तो ये क्या हो गया? एक पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक होगी इनकी। ठीक है, तो ये सारों के सारे में ये सारी कैरेक्टरिस्टिक हैं। अब इस कैरेक्टरिस्टिक से मिलती जुलती कैरेक्टरिस्टिक भी उनमें होगी, क्योंकि वो मिक्स करते हैं, तो मतलब वो क्या है, एक्स्ट्रोवर्ट टाइप के होंगे, आउटगोइंग होंगे, हैप्पी टू गो होंगे, बहुत ही जॉली नेचर टाइप होंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं बहुत पैशनेट होंगे, तो मे बी ये सारी की सारी कैरेक्टरिस्टिक जो हैं वो सब में अगर कॉमन है तो वी कीप देम इन वन पर्टिकुलर क्लास, और उसको हम कहते हैं कि वो इस टाइप से भी बिलोंग करते हैं, इस टाइप में बिलोंग करते हैं। ठीक है, ये ऑल दो पुरानी अप्रोच है, लेकिन जब पर्सनैलिटी को समझने की कोशिश की थी सबसे पहली, तो वो टाइप अप्रोच के थ्योरी के बेसिस पे ही की थी, और उसमें पहला ही काम किसने किया था? हिप्पोक्रेट्स ने। तो आज जो हम पढ़ेंगे ना वो हिप्पोक्रेट्स की टाइप थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी पढ़ेंगे। अभी हम कुछ वीडियोज़ में, आने वाली वीडियोज़ में टाइप थ्योरी जिन जिन ने स्टडी की है वो पढ़ेंगे, और फिर लास्ट में हम एक वीडियो देखेंगे जिसमें हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, हमारे जो टाइप अप्रोच है और जो ट्रेट अप्रोच है उन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, कौन सी बेटर है, यानी कि दोनों को हम पॉजिटिव नेगेटिव देखेंगे और क्रिटिकली इवैल्यूएट करेंगे, तो वो हमारी लास्ट वीडियो होगी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का टॉपिक हमारा हिप्पोक्रेट्स टाइप पर्सनैलिटी। ठीक है, टाइप थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी। हिप्पोक्रेट्स में क्या है? हिप्पोक्रेट्स ने ये कहा कि अगर हम किसी इंडिविजुअल की पर्सनैलिटी को देखना चाहते हैं, तो किसी इंडिविजुअल की जो बॉडी है, ह्यूमन बॉडी ना, वो ह्यूमन बॉडी जो है वो कुछ फ्लूड से, बॉडी फ्लूड से मिलकर बनी हुई है, और उन फ्लूड को उन्होंने नाम दिया किसका? ह्यूमर्स का। ठीक है, ह्यूमर कहा गया। तो हर एक की बॉडी में क्या प्रेजेंट है? ह्यूमर्स प्रेजेंट हैं, और ये ह्यूमर्स जो हैं, अगर हम कहते हैं किसी की पर्सनैलिटी एकदम बेस्ट है, परफेक्ट पर्सनैलिटी है किसी की, तो ये जो ह्यूमर्स है ना ये एकदम बैलेंस में होने चाहिए, जिसका जितना अमाउंट चाहिए उसी अमाउंट में होने चाहिए। अगर ये ऊपर नीचे हो गया किसी का ना, तो उससे क्या हो जाता है, उसकी पर्सनैलिटी पर भी उसी टाइप का इफेक्ट होता है। तो डिपेंड कि ये ह्यूमर्स में से, इन बॉडी फ्लूड में से कौन सा फ्लूड ज़्यादा है, उसी टाइप की पर्सनैलिटी होगी उस इंसान की। ठीक है, अब हम देखते हैं किसी की बॉडी में कितने टाइप के ह्यूमर होते हैं। फोर ह्यूमर होते हैं, डिस्कस कर लेते हैं क्या क्या है। सबसे पहला है येलो बाइल। येलो बाइल जो है, ये येलो वाला जो है, ये जो भी बायो के स्टूडेंट हैं उनको पता होगा कि येलो बाइल जो है वो कौन सिक्रीट करता है? लिवर सिक्रीट करता है। ठीक है, तो अभी हम देख लेते हैं कौन कौन से ऑर्गन सिक्रीट करेंगे। येलो बाइल जो है वो कौन सिक्रीट करेगा? लिवर सिक्रीट करेगा। देन ब्लैक बाइल, ये ब्लैक बाइल जो है इनके अकॉर्डिंग ये किडनी सिक्रीट करती हैं। ब्लड हमें पता है हमारी बॉडी में प्रेजेंट होता है, ऑल ओवर दी बॉडी हमारी बॉडी में सर्कुलेट करता है, ये मीडियम है हमारी बॉडी का। और फ्लैगम जो है ये वाइट फ्लूड है, जो कि कहाँ से सिक्रीट होता है? हमारे हमारे लंग्स से। ठीक है, तो वाइट फ्लूड है जो कि कहाँ से सिक्रीट होता है? लंग्स से। तो ये तो इनका ओरिजिन हो गया कि किस ऑर्गन से कौन सा ह्यूमर, कौन सा फ्लूड रिलीज होता है। और इस ह्यूमर की, मतलब जिस भी इंडिविजुअल में अगर ये ज़्यादा होगा तो क्या पर्सनैलिटी होगी, ये ज़्यादा होगा तो क्या पर्सनैलिटी होगी, इस टाइप से। ठीक है, तो एक्सेस किस टाइप का फ्लूड ज़्यादा है, वन टाइप ऑफ फ्लूड जो होगा वो किसी की बॉडी में ज़्यादा होगा, प्रोमिनेंट होगा, एंड दैट विल डिटरमाइन दी काइंड ऑफ पर्सनैलिटी दी पर्सन विल हैव। ठीक है, तो येलो बाइल में अगर लिवर का जो ये बाइल जूस अगर किसी के अंदर ज़्यादा है, तो उसकी पर्सनैलिटी कैसी होगी? कोलैरिक। अभी हम देखेंगे कि कोलैरिक पर्सनैलिटी में क्या क्या फीचर्स होते हैं इंडिविजुअल में। देन अगर किसी में ब्लैक है तो वो कैसी होगी पर्सनैलिटी? मेलनकॉलिक। अगर ब्लड ज़्यादा है तो कैसी पर्सनैलिटी होगी? सैंजेनिक पर्सनैलिटी। और अगर हम कहते हैं फ्लैगम ज़्यादा है, यानी कि वाइट फ्लू लंग्स वाला ज़्यादा है, तो उसकी पर्सनैलिटी कैसी होगी? फ्लैगमेटिक। तो ये हो गए चार टाइप जो कि पर्सनैलिटी के अकॉर्डिंग डिसाइड किए थे। ठीक है, फ्लूड के अकॉर्डिंग ये चार, कोलैरिक, मेलनकॉलिक, सैंजेनिक और फ्लैगमेटिक। चलिए एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं क्या क्या इनके फीचर्स हैं। देखिए सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कोलैरिक। कोलैरिक में क्या है, कौन सा जूस ज़्यादा है? अभी हमने देखा
येलो बाइल, ठीक है, येलो बाइल ज़्यादा है, तो जिनमें येलो बाइल ज़्यादा होगा उनकी पर्सनैलिटी विल बी कोलैरिक टाइप ऑफ पर्सनैलिटी। और फीचर्स क्या क्या होंगे, देखिए ऐसे लोग ना है बड़े बेचैन टाइप होंगे, जब तक उनको जो काम उन्होंने ठान लिया वो करेंगे ही करेंगे, बड़े डिटरमाइंड जिनको हम कहेंगे, पैशनेट होंगे, ठीक है, बहुत फटाफट काम करेंगे, ज़्यादा सोचेंगे नहीं, बोल्ड होंगे, ईगर होंगे, क्विक टू एक्ट होंगे, गर्म खून वाले होंगे, हॉट ब्लडेड, इरिटेबल, रेस्टलेस, ये सारी की सारी उनकी खासियत होंगी, ठीक है। तो ये हो गया हमारी पर्सनैलिटी कोलेरिक। दूसरी हम पर्सनैलिटी बोलते हैं मेलनकॉलिक, जो कि किस वजह से होगी, जिसके बॉडी में क्या ज़्यादा होगा, ब्लैक बाइल, ठीक है, ये थोड़ी सी ना नेगेटिव पर्सनैलिटी हो गई। ऐसे लोगों में क्या है, ये बड़े उदास रहेंगे, रिजर्व टाइप, ज़्यादा बात बात नहीं करनी, थोड़ा गुस्सा रहेंगे, एंक्शियस रहेंगे, ज़्यादा उदास उदास डिप्रेशन में आएंगे, कोई उम्मीद नहीं लाइफ से, सब कुछ ख़त्म, इस टाइप की पर्सनैलिटी। पर ऐसे लोग क्योंकि बहुत चुप चुप रहते हैं, तो इनका थोड़ा सा नेचर किस टाइप का होता है, जो वो शायरी करते हैं, पोएटिक नेचर जो होता है, ठीक है, वो वाले, ठीक है, आर्टिस्टिक होंगे, थोड़े से फियरफुल भी होंगे, तो ये इनकी पर्सनैलिटी होगी, थोड़ी सी नेगेटिव साइड इंक्लाइनेशन ज़्यादा है इनका, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं थर्ड, सैंजुनिक। सैंजुनिक में क्या होगा, क्या ज़्यादा है, ब्लड, ब्लड कंटेंट बहुत ज़्यादा होगा, यानी कि ब्लड डोमिनेट करेगा इनकी पर्सनैलिटी को। और ब्लड वाले जो, जिसमें ब्लड ज़्यादा होते हैं ना, ये बड़े अच्छे पॉजिटिव वाइब्स होती है इनके अंदर, ठीक है, बहुत ही वार्म हार्टेड होते हैं, बहुत ही खुले दिल वाले, खुश खुश रहने वाले, ऑप्टिमिस्टिक पीपल, आउटगोइंग पीपल, ज़्यादा लोगों के साथ घुलने मिलने वाले, इस तरह का इनका बिहेवियर है, थोड़ा जॉली टाइप के, ठीक है, फुल ऑफ एनर्जी हमेशा। तो ये हो गया सैंजेनिक, ये थोड़ी सी पॉजिटिव साइड है, ठीक है, ये किस वजह से होती है, ब्लड की एक्सेस की वजह से। नेक्स्ट है फ्लेगमेटिक, और फ्लेगमेटिक में क्या होता है, फ्लेगम ज़्यादा है, यानी कि वाइट फ्लूड ज़्यादा है, जो कि लंग से होगा। और ऐसे लोग थोड़े से शांत शांत, ठीक है, ये भी अच्छी पर्सनैलिटी है, थोड़े से शांत, काम, क्वाइट, रिलैक्स्ड, इन ये रिलायबल हैं, ठीक है, ये हम इन पर विश्वास कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन ना उतने ज़्यादा ये क्या एक्टिव नहीं होंगे, ये याद रखिए, एक्टिव उतने नहीं होंगे, थोड़े से जिसको हम बोलते हैं स्टेबल से होंगे, सोचते बहुत हैं, थॉटफुल लोग हैं ये, ठीक है, बातें जो करेंगे बहुत रैशनल होंगी, आधारभूत बातें होंगी, ठीक है, ऐसे नहीं कि कुछ भी मन में आया तो वही बोल दिया, रिलायबल चीज़ें हैं, रिसोर्स अच्छे हैं, काम है, क्वाइट है, सेंसिबल हैं, रिलैक्स्ड हैं, ये इस तरह की पर्सनैलिटी है थोड़ी सी ना, स्टेबल पर्सनैलिटी। तो ये हमारी है किस वजह से, कौन सा फ्लूड की वजह से है, ये जो फ्लेगम है ये है वाइट फ्लूड की वजह से, ठीक है, वाइट बाइल जो है उसकी वजह से। तो देखिए ये हमने क्या पढ़ा, ये हमारी अलग अलग पर्सनैलिटी हमने पढ़ी, जो कि किसके बेसिस पे थी, अबाउट डिफरेंट काइंड ऑफ ह्यूमर्स विच आर प्रेजेंट इन ह्यूमन बॉडी, और उसकी एक्सेस की वजह से किसी की पर्सनैलिटी किस टाइप की होती है, ठीक है। तो ये हिप्पोक्रेट्स टाइप ऑफ थ्योरी है, ये बहुत ही पुरानी अप्रोच है, आजकल कोई यूज़ नहीं करता है। सिंस हम पढ़ रहे हैं पर्सनैलिटी की थ्योरी, तो हमें पता होना चाहिए कि स्टार्टिंग कैसे हुई थी, शुरुआत कैसे हुई, तो शुरुआत में ना टाइप थ्योरी से ही स्टार्टिंग हुई थी, और लोग अलग अलग तरीके से बॉडी की अपीयरेंस को देखकर, अभी हम पढ़ेंगे आगे की थ्योरीज, उसमें अपीयरेंस को देखकर कैसे अलग अलग कैटेगराइज किया, ऑल्दो ये रिलायबल नहीं है, और आजकल किसी की पर्सनैलिटी को हम इस तरीके से जज नहीं करते हैं, इस तरीके से हम एनालाइज नहीं करते हैं, ये पुरानी अप्रोच है, लेकिन हमें नई अप्रोच हमें पता है, तो हमें पुरानी अप्रोच भी पता होनी चाहिए कि स्टार्टिंग कैसे हुई, और पर्सनैलिटी को स्टडी करने की पहली शुरुआत ही किसने की थी, हिप्पोक्रेट्स के टाइम से ही स्टार्ट हुई थी, तो हमें हिस्ट्री पता होनी चाहिए कि कहाँ से शुरुआत हुई, कि जो हम आज की इतनी अच्छी रिलायबल मॉडल्स पे पहुंच गए हैं, ठीक है। तो ये हमारी थी टाइप थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी। नेक्स्ट वीडियो में हम शेल्डन थ्योरी पढ़ेंगे, जो कि अगेन टाइप थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी है। होप आपको ये पसंद आया होगा, हमने अच्छे से कवर किया है, जो हमें बातें बतानी है वो जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है वो हम कवर कर चुके हैं, और पसंद आई होगी आपको। अगर आपको वीडियो हमारी पसंद आई है तो थोड़ा हमें सपोर्ट कीजिए, और हमें सपोर्ट करने के लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, हमारी वीडियो को जितना हो सके लोगों में शेयर कीजिए। अगर आपको कोई भी हमें सजेशन देना है किसी भी चीज़ पर, जिस टॉपिक पर आप चाहते हैं कि हम वीडियो बनाएं, तो आप हमें हमारे कमेंट सेक्शन में हमें मैसेज कर सकते हैं, और हमसे अगर कुछ भी क्वेरी, कोई डाउट है तो आप वहाँ से हमसे पूछ सकते हैं, और हमारी वीडियो को जितना हो सके लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू फॉर योर सपोर्ट।